अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी दोस्तों। वेलकम करते हैं जी आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आपको कुछ घोड़े दिखा रहे हैं जी। दो तो ये आपके सामने नुकरे घोड़े माशाल्लाह से, कुछ घोड़े अभी और आएंगे, वो भी आपको उनका शौक करवाएंगे। माशाल्लाह से देखें जी, घोड़े दोनों बड़े खूबसूरत और प्यारे, अभी अपनी जवानी की तरफ ये जा रहे हैं। 3-4 साल इनकी एज है तकरीबन, ठीक है। तो ये अभी तैयार भी कर रहे हैं, तकरीबन तैयार ही है नेजाबाजी के लिए। ये पीछे नेजाबाजी का ग्राउंड है जी, इधर भी घोड़े खड़े हैं। ये देखें जी, एक घोड़ा तो माशाल्लाह जा रहा है, तो एक ही आपके सामने उसी शेप में, आर्ट की शेप में घूम रहा है। घोड़े की ज़रा जो मस्तियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ज़्यादातर घोड़े वैसे जो है ना तंग नहीं करते, लेकिन अगर वो तंग करे तो उसको फिर इस तरह से जो है ना घुमाया जाता है, ताकि जो पट्टी भागते वक्त तंग ना करे। तो ये घोड़ा माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जी, खूबसूरत अच्छा प्यारा घोड़ा है जी। गुजरात से इस क्लब का ताल्लुक है, गुजरात से ही घोड़े आए हैं। ये घोड़े देखें जी, इसमें नुकरे घोड़े की वीडियो में पहले लगा चुका हूँ। ये जो जा रहे हैं, पहला घोड़ा भी प्यारा है माशाल्लाह से, पीछे वाला भी बहुत खूबसूरत है, खुले रंग में बोस की। ये सावे रंग में है जी, नीला सावा रंग है। और ये सबसे आखिरी रंग है जी, इसको मैं तो चूहे का रंग बोलता हूँ, जो चूहे का रंग होता है ना। ये भी सावे रंग में कह सकते हैं, नीला सावा। ये भी वो आगे वाला सावा रंग है, ये पीछे वाला नीला, नीला सावा भी से कह सकते हैं। तो ये एक ही क्लब के सारे घोड़े थे जी, अच्छे घोड़े हैं, खूबसूरत घोड़े हैं। ये भी आप देख सकते हैं घोड़ा, जिसकी वीडियो पहले बन रही थी। फेस जिसका ना, हड्डी जो है इसकी थोड़ी सी चौड़ी है, इसलिए इसका थोड़ा चेहरा जो है ना वो लंबा भी है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बाकी घोड़ा ओवरऑल अच्छा है जी, पॉइंट भी पूरे हैं इसके, खूबसूरत भी है। ये सांड पकड़ा के चला गया है बंदा सवार को। तो ये उस वीडियो में कुछ घोड़े आपको दिखाए हैं जी, शौक करवाया है घोड़ों का। उम्मीद करते हैं जी आप सबको पसंद आई होगी वीडियो। तो मिलेंगे जी एक और नई वीडियो के साथ, किसी नए जानवर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।